रात के सन्नाटे में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को भारी जोरदार टक्कर। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया बिरथा रोड से है, जहां तेज रफ्तार की कहर का शिकार एक मोटरसाइकिल चालक को होना पड़ा। घटना उभाव थाना क्षेत्र के ग्राम अवायक के पास देवरिया नगरा मार्ग की है। मेन रोड से कुछ ही दूरी पर एक मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी मिली। वीडियो में देख सकते हैं मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। मोटरसाइकिल की सीट उखड़ चुकी है, गाड़ी का पैनल इधर से उधर बिखरा पड़ा है। घटना की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटना मध्यम रात्रि लगभग 1 बजे की है। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार की थी कि रात के सन्नाटे में दूर तक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर अवायक ग्राम के ग्रामीण वहां पहुंचे, मोटरसाइकिल चालक की स्थिति देख 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पीआरपी की पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक को थाना उभाव ले आई, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जरूरी कार्रवाई के बाद पीएम हेतु बलिया भेज दिया गया। इस घटना के बारे में भारत मीडिया से इस संबंध में उभाव निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह से जानकारी ली। उभाव निरीक्षक ने बताया मृतक रंजीत कुमार गोरखपुर का निवासी है, जो जिला न्यायालय में आमीन के चपरासी के रूप में कार्यरत था। उसके पास से एक आई कार्ड मिला है, जिसके आधार पर परिजनों को सूचना दे दी गई है। जिस तरह से अभी पिछले महीने सड़क सुरक्षा मास मनाया गया, सड़क पर वाहन चलाने वालों को जागरूक किया गया, इसके बावजूद भी तेज रफ्तार का कहर जारी है। भारत मीडिया के लिए ए समद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।